हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है कंजूस कंजूसमाखीचूस तो कंजूस मखीचूस एक हिंदी फिल्म है जिसको कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ साथ में फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है फिल्म से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जितने भी जो बातें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कंजूस मखीचूस ये एक दो हजार तेईस की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्क्रिप करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डायरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रे जुट मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सोंग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता अर्रा ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 सौ सोलह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ओनती पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिनकी आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई से अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद फाइनल सेंसर जहां पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स बेच दिए गए जहां पे ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजू के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहाँ पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंस थी वो लोगों को काफ़ी ज्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस भी काफ़ी पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नजर आते जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है वो बढ़िया है। कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफ़ी काफ़ी क्रिस्प क्रिस्प थी फिल्म फिल्म को को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था रन टाइम के साथ तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से से निपटा दिया था और इसी वजह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से यह फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से लोगों को कनेक्ट कर गई जिस वजह से ये फिल्म फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी इस फिल्म के OTT, सभी राइट्स खरीदे हुए यानी कि जी सिनेमा, जी सिनेमा, चौबीस मार्च दो प्रीमियर करवाया गया था जब प्रीमियर करवाया गया करवाया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स का टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेते हुए करीबन चार हजार वोट हासिल किए जिसमें छह पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से एक वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव साइड जिस वजह से एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई और इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ व्यूअरशिप हासिल की और लोगों के बीच में अपनी एक जगह बना ली थी तो अभी आपको ये फिल्म अगर देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखने चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस चूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मक्खी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंग्लिश सब्सक्रिप्शन ये फिल्म फिल्म आपको देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो वर्जन है वो देखने को मिलेगा सी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मक्खी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो कंजूस मक्खी चूस ये दो हजार तेईस की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्में जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज़ स्क्रिप्ट करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ पे प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रे जुट मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सोंग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ऑन दी पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलीस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे हैं पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिनकी आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में फिल्म का एडिटिंग का काम किया गया उसके बाद मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग और एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हुए सेंसर करवाया गया जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स बेच दिए गए जहाँ पे ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजू खूस के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहाँ पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसिस थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस भी काफी पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी प्रोडक्शन डिजाइन काफी बढ़िया नजर आते जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलते हैं वो बढ़िया है। कलर फिल्म की काफी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफी क्रिस्प रखे हुई थी। फिल्म को, को तैयार किया हुआ था घंटे के आसपास फिल्म, फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से ये फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से

हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से एक वर्ड अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई और, kind of और जगह बना ली थी तो अभी देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ

कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्क्रिप्ट करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी पे प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डिरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रेत जुट मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर का एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सॉन्ग से सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो सबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 सौ सोलह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ऑन दी पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे हैं पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिनकी आखिरी उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेपअप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई से अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में फिल्म का एडिटिंग का एडिटिंग काम किया गया उसके बाद मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग और एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हुए सेंसर सेंसर कर करवाया गया इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स बेच दिए गए जहां पर ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजूख के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहाँ पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसिस थी वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस भी काफ़ी सपो पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नज़र आते जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को मिडिल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलते हैं वो बढ़िया है। कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफ़ी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफी क्रिस्प रखे हुई थी फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म को तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से निपटा दिया था और इसी वजह से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहाँ पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से यह फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से लोगों

रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से एक mouth, ली थी। तो अभी देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखने चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस चूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मखी चूस फिल्म को अगर आप ओटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंग्लिश सब्सक्रिप्शन ये फिल्म फिल्म आपको देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो वर्जन है वो देखने को मिलेगा सी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मखी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो कंजूस मखी चूस ये दो हजार की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्में जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्किप करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी टी पर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव ओ के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डिरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सजन रे मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सोंग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता अरोरा ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ओनती पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे हैं पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिनकी आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में अलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन्ड हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में फिल्म का, एडिटिंग का काम किया गया। उसके बाद एस सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को, को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओटीटी के लिए डायरेक्ट राइट्स बेच दिए गए जहां पे ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजू खूस के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहां पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसेस थी वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस भी काफी सपोर्ट पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नजर आती है जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है वो बढ़िया है। कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफ़ी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफ़ी काफ़ी क्रिस्प क्रिस्प थी फिल्म फिल्म को को ऑन पॉइंट रखा हुआ था रन टाइम के साथ तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से से निपटा दिया था और इसी वजह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से यह फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से लोगों

रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से एक वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव साइड जिस वजह से एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई और इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ व्यूअरशिप हासिल की और लोगों के बीच में अपनी एक जगह बना ली थी तो अभी आपको ये फिल्म अगर देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मखी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो देखने को मिलेगा जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मखी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो कंजूस मखी चूस ये एक दो हजार तेईस की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्क्रिप्ट करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डायरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन झूठ मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सोंग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ऑन दी पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलीस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिन आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था तो कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रैप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई ऐसे अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में फिल्म का एडिटिंग का, का काम किया गया उसके बाद मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग और एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हुए सेंसर करवाया गया जहाँ जा, पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल और ओटी के लिए डायरेक्ट राइट्स बेच दिए गए जहाँ पे ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजू खूस के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहाँ पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज किया था जिसको काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीजें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी काफी ज्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस भी काफी पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस इस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया नज़र आती है जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है वो बढ़िया है कलर ग्रीडिंग फिल्म की काफ़ी अच्छी नज़र आती है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म को तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से निपटा दिया था और इसी वजह से ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहाँ पे फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से यह फिल्म और, और काफी बढ़िया तरीके से लोगों को कनेक्ट कर गई जिस वजह से यह फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी इस फिल्म के ओ टी सभी राइट्स जी नेटवर्क नहीं खरीदे हुए यानी कि जी सिनेमा जी सिनेमा एच के पास इस फिल्म के सेटेलाइट राइट है वहीं पे जी फाई ओ एप्लीकेशन के पास इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स है जहाँ पे इस फिल्म को चौबीस मार्च दो हजार तेईस को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया गया था जब प्रीमियर करवाया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से करीब चार हजार वोट हासिल छह सात की रेटिंग धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से एक वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव साइड जिस वजह से एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई और इस फिल्म ने एक काइंड ऑफ व्यूअरशिप हासिल की और लोगों के बीच में अपनी एक जगह बना ली थी तो अभी आपको फिल्म अगर देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी Z5 फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म को अगर सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच डी के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मक्खी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंग्लिश सब्सक्रिप्शन ये फिल्म फिल्म आपको देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो वर्जन है वो देखने को मिलेगा जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मक्खी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो कंजूस मक्खी चूस ये एक दो हजार तेईस की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्किप करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी पे प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रेत मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सॉन्ग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचित्रा ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 सौ सोलह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ऑन दी पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिन आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिहार ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई से अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में फिल्म का एडिटिंग का एडिटिंग काम किया गया उसके बाद मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग और एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हुए सेंसर सेंसर कर करवाया गया इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स भेज दिए गए जहां पर ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजूख के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहाँ पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसेस थी वो लोगों को काफ़ी ज्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस भी काफी सपोर्ट पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नज़र आते जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है वो बढ़िया कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफ़ी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखे हुई थी फिल्म को ऑन पॉइंट रखा हुआ था काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म को तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से से निपटा दिया था और इसी वजह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से यह फिल्म ओवरऑल काफी बढ़िया तरीके से लोगों

हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से तो अभी आपको देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मखी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल आपको देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो देखने को मिलेगा सी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मखी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो कंजूस मखी चूस ये एक दो की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्में जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज़ स्क्रिप्ट करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रे झूठ मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सोंग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता अरोरा ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 सौ सोलह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ओनती पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीन ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिनकी आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन्ड हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई

बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंस वो लोगों को काफ़ी ज्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नजर आती है जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलते हैं वो बढ़िया है। कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफ़ी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफ़ी काफ़ी क्रिस्प क्रिस्प थी फिल्म फिल्म को को ऑन पॉइंट रखा हुआ था रन टाइम के साथ तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से से निपटा दिया था और इसी वजह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से यह फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से लोगों

रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया तरीके से एक वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव साइड बिपिला जिस वजह से एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई और इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ व्यूअरशिप हासिल की और लोगों के बीच में अपनी एक जगह बना ली थी तो अभी आपको ये फिल्म अगर देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो जी सिनेमा और सिनेमा एचडी के ऊपर देखने को मिलेगा जहां पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मखी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो देखने को मिलेगा जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मखी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो कंजूस मखी चूस ये एक दो हजार तेईस की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्क्रिप्ट करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डायरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रे जुट मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सॉन्ग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूजिक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ओनती पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है वहीं पे इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिन आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में फिल्म का एडिटिंग का काम किया गया। उसके बाद मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग और एक फाइनल सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को, को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स भेज दिए गए जहां पर ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजू खूस के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहां पर बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसेज थी वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की फॉर्मेंसिस भी काफी सपोर्ट पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास निकलवाई थी थी वो बढ़िया फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी प्रोडक्शन डिजाइन काफी बढ़िया नजर आती है जिस तरह से कूनल खेमू को और उनकी फैमिली को मिडिल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है वो बढ़िया

फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट सभी राइट्स जी नेटवर्क नहीं खरीदे हुए जी मार्च सिनेमा, जी सिनेमा, दो हजार तेईस को ऑफिशियली प्रीमियर करवाया गया था जब प्रीमियर तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला जहाँ पे मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेते हुए इस फिल्म ने आई एम डी पे करीबन चार हजार वोट हासिल जिसमें छह पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी

इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मक्खी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल आपको देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो देखने को मिलेगा सी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मक्खी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो कंजूस मक्खी चूस ये एक दो हजार तेईस की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्क्रिप्ट करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ पे प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव ओ के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रे झूठ मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सोंग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता रोरा ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 सौ सोलह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि यह फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ओनती पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिन

इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई से अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में फिल्म का एडिटिंग का काम किया गया। उसके बाद मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग और एक फाइनल सेंसर जहां पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स बेच दिए गए जहां पे ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजूख के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहाँ पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंस थी वो लोगों को काफ़ी ज्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस भी काफी पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नज़र आते जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है वो बढ़िया है। कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखे हुई थी फिल्म को ऑन पॉइंट रखा हुआ था काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म को तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से से निपटा दिया था और इसी वजह ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से ये फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से लोगों

हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से, से एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई और, kind of और जगह बना ली थी तो अभी आपको देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मक्खी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंग्लिश सब्सक्रिप्शन ये फिल्म फिल्म आपको देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो वर्जन है वो देखने को मिलेगा सी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मक्खी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो कंजूस मक्खी चूस ये एक दो हजार तेईस की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्में जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज़ स्क्रिप्ट करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ पे प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रे जुट मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सोंग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता अर्रा ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ओनती पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे हैं पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिनकी आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन्ड हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेपअप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई अलग अलग, अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में फिल्म का एडिटिंग का काम किया गया। उसके बाद मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग और एक फाइनल सर्टिफिकेट मिला पहले को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओटीटी के लिए डायरेक्ट राइट्स भेज दिए गए जहां पर ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजू खूस के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहां पर बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसेस थी वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी सपोर्ट पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नज़र आते जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलते हैं वो बढ़िया है। कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफ़ी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखे हुई थी फिल्म को ऑन पॉइंट रखा हुआ था काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म को तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से से निपटा दिया था और इसी वजह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से यह फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से लोगों

रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया तरीके से एक वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव साइड बिपिला जिस वजह से एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई और इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ व्यूअरशिप हासिल की और लोगों के बीच में अपनी एक जगह बना ली थी तो अभी आपको ये फिल्म अगर देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सैटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो जी सिनेमा और सिनेमा एचडी के ऊपर देखने को मिलेगा जहां पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ

कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्किप करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी पे प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डायरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रे जुट मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सॉन्ग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूज़िक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 सौ सोलह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ऑन दी पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का, का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिन आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई से अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में फिल्म का एडिटिंग का काम किया गया। उसके बाद मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग और एक फाइनल सेंसर जहां पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स बेच दिए गए जहां पर ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजूख के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहाँ पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसिस थी वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस भी काफी सपोर्ट पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नजर आती है जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलते हैं वो बढ़िया है कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखे हुई थी फिल्म को ऑन पॉइंट रखा हुआ था काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म को तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से निपटा दिया था और इसी वजह से ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से ये फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से लोग

रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से तो अभी देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस चूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मखी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ आपको देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो देखने को मिलेगा सी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मखी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो कंजूस मखी चूस ये एक दो की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्क्रिप्ट करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ पे प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव ओ के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रेत मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सोंग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूज़िक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ऑन दी पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया है जो जमुना के बेटे हैं पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका आमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिन

इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन्ड हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेपअप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई से अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में फिल्म का एडिटिंग का एडिटिंग काम किया गया उसके बाद मिक्सिंग डबिंग मास्टरिंग और एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हुए सेंसर सेंसर कर करवाया गया इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स भेज दिए गए जहां पर ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजू खूस के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहां पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसेस थी वो लोगों को काफ़ी ज्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस भी काफी सपोर्ट पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नजर आते जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलते है वो बढ़िया कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफ़ी काफ़ी क्रिस्प क्रिस्प थी फिल्म फिल्म को को ऑन पॉइंट रखा हुआ था रन टाइम के साथ तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से से निपटा दिया था और इसी वजह ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से ये फिल्म ओवरऑल काफी बढ़िया तरीके से लोगों

रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से एक वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव साइड जिस वजह से एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई और इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ व्यूअरशिप हासिल की और लोगों के बीच में अपनी एक जगह बना ली थी तो अभी आपको ये फिल्म अगर देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मखी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो देखने को मिलेगा सी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मखी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो कंजूस मखी चूस ये दो हजार तेईस की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्क्रिप्ट करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रेत जुट मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सॉन्ग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता अर्रा ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूज़िक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ऑन दी पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलीस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीन ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिनकी आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेपअप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में का, एडिटिंग का काम किया गया। उसके बाद मास्टरिंग और एक फाइनल सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स भेज दिए गए जहां पर ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजू के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहां पर बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसेस थी वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी सपोर्ट पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसेज निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नजर आती है जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलते है वो बढ़िया है कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था काफी क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म को तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से निपटा दिया था और इसी वजह से फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहाँ पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से यह फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से लोगों

रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफ़ी बढ़िया तरीके से एक वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव साइड बिपिला जिस वजह से एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई और इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ व्यूअरशिप हासिल की और लोगों के बीच में अपनी एक जगह बना ली थी तो अभी आपको ये फिल्म अगर देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाई ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो जी सिनेमा और सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां पे इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ

कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्किप करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी पे प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डायरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रे जुट मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई म्यूज़िक में सोंग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 सौ सोलह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ओनती पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते हुए तो नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका आमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिन आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है जो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई से अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में का का काम किया गया। उसके बाद मिक्सिंग, मास्टरिंग और एक फाइनल सेंसर इस को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स बेच दिए गए जहां पर ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजूख के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहाँ पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसेस थी वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी सपोर्ट पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नज़र आते जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है वो बढ़िया है। कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफ़ी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखे हुई थी फिल्म को ऑन पॉइंट रखा हुआ था काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म को तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से से निपटा दिया था और इसी वजह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से यह फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से लोगों

की रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से एक वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव साइड पिला जिस वजह से एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई और इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ व्यूअरशिप हासिल की और लोगों के बीच में अपनी एक जगह बना ली थी तो अभी आपको ये फिल्म अगर देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखने चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस चूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मखी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्जन है वो देखने को मिलेगा सी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मखी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो कंजूस मखी चूस ये एक दो की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्में जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्क्रिप्ट करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ पे प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव ओ के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रे झूठ मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सोंग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता अर्रा ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ओनती पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीन ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिनकी आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन्ड हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में का एडिटिंग का काम किया गया। उसके बाद मिक्सिंग, मास्टरिंग और एक फाइनल सेंसर जहां पर सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओटीटी के लिए डायरेक्ट राइट्स भेज दिए गए जहां पे ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजूख के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहाँ पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसेस थी वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस भी काफी सपोर्ट पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसेस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नजर आते जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है वो बढ़िया है। कलर फिल्म की काफी अच्छी नजर आती है एडिटिंग तैयार किया हुआ था घंटे के आसपास फिल्म, फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से यह फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से लोगों

रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से एक वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव साइड जिस वजह से एक अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई और इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ व्यूअरशिप हासिल की और लोगों के बीच में अपनी एक जगह बना ली थी तो अभी आपको ये फिल्म अगर देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मखी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो देखने को मिलेगा जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मखी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो कंजूस मखी चूस ये एक दो हजार तेईस की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज स्क्रिप्ट करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रेत जुट मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई म्यूज़िक में सॉन्ग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता रोरा ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ऑन दी पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलीस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका अमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिनकी आखिरी फिल्म थी इसके बाद में उन्होंने उनकी मृत्यु हो चुकी थी इसके अलावा राजीव गुप्ता जो इस फिल्म में आलोक चतुर्वेदी के रोल में दिखाई देंगे अभिषेक गिरी को हरीश का रोल दिया गया था सचिन सिंह ने बिसिंग ने बिरजू का रोल प्ले किया हुआ है अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ है प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई से अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद में फिल्म का एडिटिंग का काम किया गया। उसके बाद मिक्सिंग, डबिंग, मास्टरिंग और एक फाइनल सेंसर जहां पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स भेज दिए गए जहां पर ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजू के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहां पर बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज़ किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंसिस थी वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस भी काफ़ी सपोर्ट पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नजर आती है जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलते है वो बढ़िया है कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफ़ी अच्छी नज़र आती है एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प रखी हुई थी फिल्म को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था काफ़ी क्रिस्प रन टाइम के साथ फिल्म को तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से निपटा दिया था और इसी वजह से ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहाँ पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफ़ी मजबूत नज़र आती है तो इस वजह से ये फिल्म और काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों

रेटिंग हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से एक mouth, ली थी। तो अभी देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखना चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस चूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मक्खी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल आपको देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो देखने को मिलेगा जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मक्खी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो कंजूस मक्खी चूस ये एक दो हजार तेईस की इंडियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ किया हुआ है इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज़ दिलवाई गई है ये फिल्म पहले थिएटर में आने वाली थी लेकिन थिएटर रिलीज़ स्क्रिप करते हुए फिल्म को डायरेक्टली ओ टी पे प्रीमियर करवाया हुआ है जहाँ पे ओ नेटवर्क है वो जी के द्वारा दिया गया है यानी कि जी फाइव के द्वारा इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया गया है अब हम बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म की कहानी का आइडिया विपुल मेहता का था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्लेट डायरेक्शन सभी चीज़ें विपुल मेहता ने खोद की हुई है फिल्म की कहानी गुजराती एक प्ले है सज्जन रे जुट मत बोलो उससे इंस्पायर्ड है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है दीपक मुखट सृष्टि शर्मा और कुसरग्रा शर्मा ने इस फिल्म को एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे सोम रॉक स्टार एंटरटेनमेंट थंडर स्काई एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जिसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करवाया था उनके ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो है सी फाई इस फिल्म की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे कुणाल खेमू श्वेता त्रिपाठी और अलीस नथानी लीड रोल में इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रतीक परमार ने की हुई है म्यूज़िक में सोंग से वो सचिन जिगर ने कंपोज किए हुए एक गेस्ट कंपोजिशन भी देखने को मिलेगी जो शबीर अहमद ने दी हुई है बैकग्राउंड स्कोर रचिता अर्रा ने दिया हुआ है इसके अलावा जो म्यूज़िक के राइट्स है वो खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी ने जहाँ पे सभी गानों को उन्होंने उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के एडिटर के बारे में यानी कि इस फिल्म के एडिटर जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 116 सौ सोलह मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म का जो रन टाइम है वह काफ़ी क्रिस्प रखा गया है और इसी वजह से फिल्म काफ़ी एक ओनती पॉइंट रहती है और जो कॉमेडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट करती हुई नज़र आती है इसके अलावा फ़िल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो कुणाल खेमू जो इस फिल्म में जमुना प्रसाद पांडे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे श्वेता त्रिपाठी ने मधुरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की वाइफ है अलिस नथानी ने इस फिल्म में क्रिस पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो तो जमुना के बेटे है पीयूष मिश्रा को गंगा प्रसाद पांडे का रोल दिया गया था जो जमुना के फादर है अलका आमीर ने इस फिल्म में सरस्वती पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो जमुना की माँ है हेमा सिंह ने इस फिल्म में जुमरी पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जो गंगा की बहन है राजू श्रीवास्तव ने यादव का रोल प्ले किया हुआ है जिन आखिरी राजीव गुप्ता गिरी को हरीश का रोल दिया गया था बिरजू का रोल प्ले किया हुआ अविनाश शुक्ला ने इस फिल्म में बंसी का रोल प्ले किया हुआ प्रशांत तिवारी को छोटू का रोल दिया गया था योगेश पांड्या ने एजेंट गुप्ता का रोल प्ले किया हुआ जो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इसके अलावा इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो सितंबर 10 2021 को इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था कोविड की वजह से चीज़ें इधर उधर हो रही थी इस वजह से फिल्म की शूटिंग बार बार पोस्टपोन हो रही थी वहीं पे इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ जैसे अलग अलग सिटीज़ में शूट किया हुआ था गणेश चतुर्थी के मौके के ऊपर इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी वहीं पर इस फिल्म को दशहरे के मौके पर रेप अप किया गया था पंद्रह अक्टूबर दो को जहाँ पर इस फिल्म को ऋषिकेश लखनऊ मुंबई से अलग अलग लोकेशंस में पूरी तरह से शूट करवाया था उसके बाद फाइनल सेंसर जहां पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला पहले इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल की और ओ के लिए डायरेक्ट राइट्स बेच दिए गए जहां पे ओ राइट्स थे वो जी नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए थे इस फिल्म को कंजू के नाम से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था जहाँ पे बताया था कि कुणाल खेमू इसमें लीड रोल में होने वाले फिल्म का एक ऑफिशियल पोस्टर भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल किया था उसके बाद में इस फिल्म का ट्रेलर है वो तेरह मार्च दो को ऑफिशियली रिलीज किया था जिसको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था और ट्रेलर को एक काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था जो एक हल्की फुल्की लाइट हार्टेड कॉमेडी थी जिस तरह से जो कैरेक्टर इंटरेस्ट देखने को मिले वो सभी चीज़ें लोगों को ट्रेलर में पसंद आई थी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म के प्रति भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कुणाल खेमू श्वेता तिवारी इन सभी लोगों की जो परफॉर्मेंस थी वो लोगों को काफ़ी ज्यादा पसंद आई दूसरे सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस भी काफ़ी सपोर्ट पसंद आई हाँ कहानी ठीक ठाक लगी थी डिसेंट लगी थी लेकिन उसमें जो कॉमेडी पंचिस थे एक्टर के द्वारा जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई थी डायरेक्टर जिस तरह से उनके पास परफॉर्मेंसिस निकलवाई थी वो बढ़िया थी फिल्म का बजट लो था उसके बावजूद जिस तरह से जो आपको सिनेमेटोग्राफी कैमरा वर्क देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी बढ़िया नजर आते जिस तरह से कुनल खेमू को और उनकी फैमिली को एक मिडल क्लास फैमिली को जिस तरह से तैयार किया हुआ था जो आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलता है वो बढ़िया है। कलर ग्रेडिंग फिल्म की काफी अच्छी नजर आती है एडिटिंग काफ़ी काफ़ी क्रिस्प क्रिस्प थी फिल्म फिल्म को को ऑन दी पॉइंट रखा हुआ था रन टाइम के साथ तैयार किया हुआ था करीबन दो घंटे के आसपास इस फिल्म को पूरी तरह से से निपटा दिया था और इसी वजह फिल्म काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग फिल्म साबित होती है जहां पर फिल्म की कॉमेडी टाइमिंग फिल्म की आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी फिल्म काफी मजबूत नजर आती है तो इस वजह से फिल्म और काफी बढ़िया तरीके से लोगों

हासिल हुई दस में से वहीं पे इस फिल्म को धीरे धीरे काफी बढ़िया तरीके से तो अभी आपको देखनी है तो कंजूस मखीचूस नाम के साथ आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी सी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पर इस फिल्म को अगर सेटेलाइट चैनल के ऊपर देखने चाहते हो तो वो सी सिनेमा और सी सिनेमा एच के ऊपर देखने को मिलेगा जहां इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो कंजूस मखीचूस नाम के साथ तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कंजूस मक्खी चूस फिल्म को अगर आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना चाहते हो तो जी फाइव ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन फिल्म आपको देखने को मिलेगी वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो देखने को मिलेगा सी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से कंजूस मक्खी चूस फिल्म को आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंजॉय कर सकते हो तो बस गाय इस कंजूस मक्खी चूस फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर

म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट इन सभी के बारे में बातचीत किए हुई टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी जानकारी दी हुई फिल्म से जुड़े जो छोटे मोटे अपडेट थी वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू